Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I started live process and discuss about the live process, nutrients and mode of nutrition and nutrition in plant. And most important topic, events occur during the photosynthesis. Today, I discuss about the heterotrophic nutrition and nutrition in plants. Let's start the topic now. हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेटा तीन तरीके के होते हैं. पहला होता है सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन. वन बाय वन आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी स्टेप्स. फर्स्ट इज सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मटेरियल. बेटे कहने का मतलब ये है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ऐसा टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें डेड और डिके ऑर्गेनिक मटेरियल को जो भी ऑर्गेनिज्म फीड करता है, इस टाइप को न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. जस्ट लाइक एग्जांपल क्या है बेटा, इसका बैक्टीरिया है और फंगस है या फंजाई है बेटे. तो ये क्या करते हैं, जो भी आपकी सड़ी हुई पत्तियाँ, लीव्स या स्टेम, ये चीज़ें होती हैं, ये क्या करते हैं, उनको ये खा लेते हैं. तो जो डेड और डिके ऑर्गेनिक मटेरियल को कंजप्शन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे कहलाते हैं सैप्रोफाइट्स. और इस टाइप का न्यूट्रिशन हमारे लिए कहलाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है. नेक्स्ट माय टॉपिक इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं बेटे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम विदाउट किलिंग देम. मतलब जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होस्ट के को बिना किल करे अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो लेता या फूड ऑब्टेन करता है, ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं. जैसे एग्जांपल मॉस्किटो, टैपवर्म, ईटीसी, ये क्या है बेटा, पैरासाइट्स हैं. ये क्या करते हैं, अपने होस्ट से अपने फूड को लेते हैं और साथ में उनको बिना मारे, उनको किल नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, उनको बिना मारे अपना फूड ले लेते हैं. होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. होलोजोइक न्यूट्रिशन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स द इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन. जो ऐसे न्यूट्रिशन जिसमें ये सारे स्टेप पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे इंजेशन है ना, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड्स, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन. क्या बोलते हैं बेटे, होलोजोइक न्यूट्रिशन. एग्जांपल क्या है बेटे, इसके एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स हैं. तो जितने भी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं. और ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको होलोजोइक भी बोलते हैं बेटे. क्या बोलते हैं, होलोजोइक. चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे. किस पे बढ़ते हैं बेटा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स का न्यूट्रिशन कैसे होता है. तो बेटा आपको गाइस बहुत अच्छे समझना है कि अनलाइक ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के तरह ना होकर जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स आर डिपेंडेंट अपॉन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फूड. एनिमल्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. हैंस दे आर कॉल्ड हेटरोट्रोप्स, इसीलिए उनको हेटरोट्रोप्स बोला जाता है, क्योंकि ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते गाइस. डिपेंडिंग अपॉन द फूड हैबिट एनिमल्स एंड क्लासिफाइड इंटू हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस. तो बेटा उनके फूड के अकॉर्डिंग हम उन्हें क्लासीफाइड भी कर सकते हैं, जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस. हर्बीवोरस क्या होते हैं बेटा, हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो केवल प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. ऐसे जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं, जैसे काउ, गोट है ना, जिराफ, ईटीसी. ये क्या है मेरे, ये हमारे हर्बीवोरस हैं, क्योंकि ये प्लांट्स के ऊपर टोटली डिपेंडेंट रहते हैं. दूसरा है बेटा कार्निवोर. कार्निवोर जो होते हैं वो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, है ना, एनिमल्स को वो फीड करते हैं. तो जो भी उनसे छोटे एनिमल्स होते हैं वो उन्हें फीड कर लेते हैं. तो इस टाइप का जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग कार्निवोर्स बोलते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में मांसाहारी भी बोलते हैं. एंड ओमनीवोर्स, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं सर्वाहारी. जो प्लांट्स और एनिमल दोनों पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए, उनको हम लोग बोलते हैं बेटा ओमनीवोरस. क्या बोलते हैं बेटा, ओमनीवोर, बिल्कुल सही, ओमनीवोर बोलते हैं. तो ह्यूमन बींग्स क्या है बेटा, ओमनीवोर हैं. तो ये उनका एग्जांपल भी हो गया बेटा. तो आप कार्निवोर्स के क्या मुझे दो एग्जांपल बता सकते हो, बिल्कुल, लॉयन और टाइगर, वेल डन. ऐसे ओमनीवोर के एग्जांपल क्या है बेटा, ह्यूमन बींग्स. कौन है बेटा, ह्यूमन बींग्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मैं
न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो उसमें मैं न्यूट्रिशन इन अमीबा सबसे पहले आता है मेरा न्यूट्रिशन इन अमीबा। इससे बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं और 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन इससे लगभग आया करते हैं बोर्ड में। तो बेटा ये टॉपिक बहुत अच्छे समझिएगा, क्योंकि अगर हमें सिंपल चीज़ों को समझ में आ जाए या सिंपल न्यूट्रिशन अगर हम समझ जाएं अमीबा का, तो हम ह्यूमन बींग्स के बारे में भी बात करेंगे, उनके न्यूट्रिशन को भी जानेंगे कैसे कहाँ पर कौन सा स्टेप कैसे कैसे फूड को से वो अपना न्यूट्रिशन को लेते हैं और कैसे उनको सर्कुलेट करते हैं पूरी सेल की बॉडी तक। समझ में आ रहा बात मेरी? चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा इज एन एक्वाटिक प्रोटोजोअन। अमीबा क्या है? एक एक्वाटिक प्रोटोजोअन है विच फीड्स ऑन द माइक्रोस्कोपिक प्लांट, जो कि बहुत माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको ये फीड करता है, उनको ये खाता है। एंड एनिमल्स विच फ्लोट ऑन वाटर बॉडीज, जो कि वाटर बॉडीज़ के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं उन्हें ये फीड कर लेता है, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो प्लांट्स हों, बट वो माइक्रोस्कोपिक लेवल के होने चाहिए, बहुत छोटे होने चाहिए। और ये क्योंकि एक प्रोटोजोवन है, एक्वाटिक प्रोटोजोवन है, तो ये क्या करता है, जो भी वाटर बॉडीज़ में इसको प्लांट्स मिलते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एनिमल मिलते हैं, ये उसे फीड कर लेता है। है ना? इट दस अकर इन वाटर विच हैज़ द वेजिटेशन एंड लॉट ऑफ डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एंड बैक्टीरिया। द मूड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा इज होलोजोइक। तो जो अमीबा का न्यूट्रिशन होता है उसका जो मूड हम लोग बात करते हैं वो होलोजोइक में आता है, क्योंकि ये एनिमल्स में होता है और मैंने आपको बताया था एनिमल्स में होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, जिनमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने क्लियर किया था कि इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, इस टाइप के जिसमें भी स्टेप होते हैं किसी भी लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल के, उस टाइप के जो न्यूट्रिशन होता है उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं बेटे। तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अ सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज फैगोसाइटोसिस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? फैगोसाइटोसिस। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई कह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने जो भी फूड को ऑब्टेन करता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं बेटे? फैगोसाइटोसिस। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, इसी के आगे, इसी के न्यूट्रिशन को हम बहुत डिटेल में जानेंगे। द वेरियस स्टेप ऑफ न्यूट्रिशंस आर। तो जो अमीबा का न्यूट्रिशंस होते हैं उनमें कौन कौन से स्टेप पार्टिसिपेट करते हैं, मैं वन बाय वन एक एक स्टेप को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहला होता है इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है वो समझना है। इजेशन मींस इनटेक ऑफ फूड, मतलब फूड को लेना ही क्या कहलाता है, इजेशन कहता है। ये पहला स्टेप होता है। द फूड पार्टिकल इज, है ना, द फूड पार्टिकल इज इनलफ बाय द अमीबा बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया अराउंड इट। बेटा स्यूडोपोडिया जो होता है ये इसका मतलब होता है हिंदी में असत्य पैर। असत्य पैर का मतलब ये क्या होता है, ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो बनते और बिगड़ते रहते हैं अमीबा में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। द फूड पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड। तो इसमें क्या कर देता है वो जो उसका स्यूडोपोडिया होता है उसके फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है, है ना, या ट्रैप कर लेता है। व्हेन टिप ऑफ स्यूडोपोडिया बोथ साइड गेट अटैच। तो उस दोनों तरफ से क्या होता है, स्यूडोपोडिया फूड जो फूड पार्टिकल होता है उसको ट्रैप कर लेता है। द प्रे नाउ लाइव्स इन द वेसल्स और फैगोसोम्स, सच इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड सर्कुलम वेलिटेशन। क्या कहलाता है, सर्कुलर वेलेंशन। नाउ द मेम्ब्रेन विच लाइज क्लोजर टू द फूड पार्टिकल गेट डिजॉल्व एंड फूड गेट्स कैप्चर इन अमीबा। तो क्या होता है बेटा, जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या कर देती है बेटा, फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लेती है और डिजॉल्व कर लेती है, है ना। तो किस में करती है बेटा, अमीबा में। ये कैसे होता है मैं आपको इस माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको पूरा क्लियर करूँगा, ठीक है बेटे, वन बाय वन स्टेप। बट पहले हम एक एक प्रोसेस को जान लेते हैं। आगे देखिए, लाइसोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म सराउंडेड द फूड पार्टिकल एंड फ्रॉम द फूड वैक्यूल्स, है ना। और वो क्या करते हैं, जो लाइसोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं और उसके आसपास जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो एक वैक्यूल्स क्रिएट कर देते हैं या एक वैक्यूल्स फॉर्म कर देते हैं। फिर दूसरा स्टेप हमारा आ जाता है डाइजेशन। तो डाइजेशन को हम लोग कैसे समझेंगे, द लाइसोसोम्स रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। तो जो लाइसोसोम्स होते हैं वो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज करते हैं इन द फूड वैक्यूल्स एंड कन्वर्ट द फूड पार्टिकल्स इनटू सॉल्युबल फॉर्म, ताकि जो फूड पार्टिकल
केमिकल्स है वो सॉल्वर फॉर्म में आ जाए। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज डाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं बेटे, क्या बोलते हैं, डाइजेशन। द फूड वैक्यूल्स डज नॉट रिमेन्स एट द सेम प्लेस। जब कभी भी फूड वैक्यूल्स एक जगह स्थिर नहीं रहता है वो क्या करता है, द फूड वैक्यूल्स डज नॉट रिमेन्स द सेम प्लेस, तो वो कभी भी एक प्लेस पे नहीं रहता है, वो इधर उधर हुआ करता है, ठीक है। इट कीप सर्कुलेटिंग साइटोप्लाज्म, वो क्या करता है, पूरे साइटोप्लाज्म में घूमा करता है बाय द प्रोसेस ऑफ साइक्लोसिस। साइक्लोसिस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करता है, पूरे में घूमा करता है, या स्टीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म स्टीमिंग मूवमेंट करता है, इस वजह से वो फूड वैक्यूल्स भी मूव करता रहता है, इसीलिए एक जगह पर फिक्स नहीं रहता है गाइस। नेक्स्ट आता है इसका थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमुलेशन। एब्जॉर्प्शन एंड एसिमुलेशन, इस स्टेप में क्या होता है, द डाइजेस्टिव फूड इज इन सॉल्युबल फॉर्म। तो अब डाइजेस्टिव जो फूड है वो अब इन सॉल्युबल फॉर्म में आ गया है ना। इट गेट्स डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, अब वो पूरे साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होता है बाय पासिंग थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ द फूड वैक्यूल्स। तो फूड वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होते हैं उससे वो पास हो जाता है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। देन इट इज यूटिलाइज्ड बाय सेल। This process is called assimilation. इसी process को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, assimilation बोलते हैं। During assimilation, absorbed food material gets converted into various constituent of protoplasm, including the food reserve. तो बेटे इस तरीके से absorption और assimilation होता है। इसके बाद next जो मेरा आता है, next मेरा जो पॉइंट आता है वो होता है बेटा इजेशन, है ना, एगेशन। एगेशन में क्या होता है, सम पार्ट ऑफ फूड विच इज नॉट डाइजेस्टेड, जो भी फूड का पार्टिकल डाइजेस्ट नहीं होता है, एंड एसिमिलेटेड रिमेन्स इन द ओल्ड फूड वैक्यूल, ताकि वो जो पहले उसका फूड वैक्यूल था उसमें वो बना रहता है मगर वो डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। इट रीचेज द सरफेस मेम्ब्रेन एंड फ्यूज विद द सर्फेस मेम्ब्रेन, तो वो सर्फेस मेम्ब्रेन की तरफ जाता है और उससे फ्यूज हो जाता है। द ऑर्गेनिज्म देन थ्रोज दिस फूड आउट ऑफ द बॉडी, तो उसको अमीबा क्या करता है, उस जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको अपने मेम्ब्रेन के थ्रू से मतलब बाहर निकाल देता है, है ना। तो द ऑर्गेनिज्म देन थ्रो दिस फूड आउट ऑफ द बॉडी, दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, है ना, एगेशन। पैरामीशियम प्रोसेस अ डेफिनाइट सेल एंड इज कॉल्ड साइटोफेज, क्या बोलते उसको, साइटोफेज बोलते बेटे। तो ये बात आपको समझ में आई, क्लियर हुआ बेटे आपको आसानी से। तो इसमें क्या होंगे, आपको जो चार स्टेप हैं, इजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन, एंड बात करते हैं एगेशन। तो ये चार जो स्टेप आपस में मिलके अमीबा में जो न्यूट्रिशन है उसे कंप्लीट करते हैं। तो आइए हम लोग उसको जानते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो देखिए ये क्या है बेटा, ये फूड पार्टिकल है, ये अमीबा का न्यूक्लियस है, और जो आपको ये जिगजैग लाइक जो आपको दिख रहे हैं ये इसके सीडोपोडिया हैं बेटे। ये क्या है बेटा, इसके सीडोपोडिया हैं। तो सीडोपोडिया क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ से कैप्चर करते हैं, इसको अपने सेल के अंदर ले लेते हैं। जैसे कैप्चर करते हैं, देखो सीडोपोडिया इसको क्या कर रहे हैं बेटा, इस समय कैप्चर कर रहे हैं, ये इसका क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। अब ये अब इसके अंदर आ चुका है, कैप्चर हो चुका है, अब इसने देखो एक वैक्यूल क्रिएट कर दिया जिसको हम लोग फूड वैक्यूल्स बोलते हैं, जो कि लाइसोसोम्स करता है। अब लाइसोसोम्स क्या करेगा, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम डालेगा और उसको इस फूड को क्या कर देगा, ब्रेकआउट कर देगा। ब्रेकआउट कर देगा किस में बेटा, अभी तो ये सॉल्युबल नहीं था, अब इसको सॉल्युबल फूड में कन्वर्ट कर देगा ताकि वो पूरे साइटोप्लाज्म में भेजा जा सके, मतलब जो ज़रूरत है उसको वो मिल सके उतनी एनर्जी, या जिस फूड जिस एनर्जी के लिए उसको ज़रूरत है उसमें वो एनर्जी का इस्तेमाल कर सकें। अब फूड वैक्यूल्स में जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो क्या होगा बेटा, वो धीरे धीरे ऊपर आके सेल मेम्ब्रेन की तरफ आ जाएगा और धीरे से वो बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, बस्ट हो जाएगा। बस्ट होने के बाद फिर से अमीबा इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेगा और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो वापस वाटर बॉडीज में छोड़ देगा। इस तरीके से अमीबा में न्यूट्रिशन बेटे कंप्लीट होता है। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ह्यूमन का न्यूट्रिशन किस तरीके से करते हैं, हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ बताइएगा मुझे, मैं उस डाउट को आपका तुरंत क्लियर करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।